अकलेरा रैन बसेरे की हालात ज्यों के त्यों न्यायाधीश ने फटकारा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दीवानी रिट याचिका 196 वर्ष 2001 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 12 दिसंबर 2011 को पारित आदेश की अनुपालना में बुधवार को तालुका विधिक सेवा समिति अकलेरा अध्यक्ष एडीजे अश्वनी शर्मा ने पुराने बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे का फॉलो अप निरीक्षण किया। वरिष्ठ सहायक विनोद कुमार गौड़ ने बताया कि 21 दिसंबर को एसीजेएम आशीष मीना द्वारा रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया गया था और आरएसी के जवान वहां पर करीबन 6 से 8 महीने ठहरने होना पाया गया था, जिसके संबंध में नगर पालिका अकलेरा द्वारा पुलिस प्रशासन को रैन बसेरे में निवासित जवानों को हटाए जाने के लिए पत्र जारी किया था। तत्समय न्यायाधीश द्वारा नगर पालिका को अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए थे, किंतु जैसे ही न्यायाधीश शर्मा ने रैन बसेरे में कदम रखे, हालात ज्यों के त्यों दिखाई दिए। आरएसी जवानों का सामान यहां वहां आसानी से देखा जा सकता था और मौके पर 3-4 जवान भी दिखे। साफ सफाई भी औसतन दर्जे की पाई गई, पलंग बिस्तर व्यवस्थित नहीं मिले, जिस पर न्यायाधीश शर्मा ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। न्यायाधीश ने तुरंत उपखंड अधिकारी, आशीष अधिकारी, नगर पालिका और पुलिस वृत्त निरीक्षक को मौके पर ही तलब कर जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि जिन गरीब असहाय लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, वो इस भीषण शीतलहर में सर्दी ठंड से ठिठुरते खुले में रात बिताने को विवश हैं और रैन बसेरे में जवान जमे पड़े हैं, जिम्मेदारों के सिर पर जूं तक नहीं रेंगती। पुलिस और प्रशासन की अपने कर्तव्यों के प्रति इस प्रकार की लापरवाही अत्यंत गंभीर है। इस पर संबंधित अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। न्यायाधीश ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को तुरंत रैन बसेरे को खाली करवाकर गरीबों के ठहरने लायक बनाए जाने के निर्देश दिए और भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं किए जाने हेतु हिदायत दी। अकलेरा से हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार मीना की रिपोर्ट।